हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। नया साल आप सबको मुबारक हो। आप सब हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। आज साल का पहला दिन, सो आज आप सबको ईश्वर कथा सुनाऊंगी। कहानी है संसार की रचना। भगवान यानी ईश्वर सबसे बड़े देवता धरती और आकाश बनाया। दो मनुष्य, एक पुरुष और एक स्त्री बनाए, जिन्हें दिमाग दिया, किंतु अब तक इन दोनों मनुष्यों को उन्होंने हृदय नहीं दिया था। भगवान के चार बच्चे थे, चंद्र, सूर्य, अंधकार और बरसात। उन्होंने चारों को एक साथ एक दिन बुलाया और कहा, मैं अब निवृत्त होना चाहता हूँ, अतः मनुष्य अब कभी मुझे देख ना सकेंगे। मैं अपनी जगह पर एक हृदय को धरती पर भेजूंगा, किंतु जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या क्या करोगे। बरसात ने कहा, मैं मूसलाधार पानी बरसाऊंगा और हर चीज को पानी में डुबो दूंगा। भगवान बोले, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की तरफ देखो। इन्होंने स्त्री और पुरुष की ओर इशारा किया और बोले, क्या ये लोग पानी के भीतर रह सकेंगे? तुम सूर्य से इस काम में कुछ मदद ले लो। जब तुम जरूरत भर का पानी बरसा दोगे तो सूरज को काम करने देना, वो अपना गर्मी से उसे सुखा देगा। और तुम किस तरह काम करोगे? भगवान ने सूर्य को पूछा। सूर्य बोला, मैं चाहता हूँ मैं इतना तेज चमकूं कि मेरी गर्मी से सारे सब जल जाए। उनके दूसरे पुत्र सूर्य का ये कहना था। नहीं, भगवान बोले, यह होगा तो फिर मेरे बनाए इन मनुष्यों को भोजन कैसे मिलेगा? देखो, जब अपनी गर्मी से सब कुछ झुलसाने लगोगे तब बरसात को मौका देना, वो पानी बरसा कर राहत कर देगा और फल अनाज उगने में सहायता करेगा। फिर बोले, और तुम अंधकार, तुम्हारे कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है, जरा बताओ तो हमें? भगवान ने अंधकार से पूछा। अंधकार बोला, मैं हमेशा हमेशा के लिए राज्य करना चाहता हूँ। भगवान बोले, दयालु बनो। भगवान ने सोमसार से उनको सोम स्वर में कहा, क्या तुम मेरी इस अद्भुत रचना को खत्म कर देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि शेर, चीते, सर्प सब अंधेरे में घूरते रहे और मेरी बनाई दुनिया ना देख सके? चांद को भी कुछ करने का मौका दे दो, उसे धरती पर चमकने दो। जब वह चौथाई रह जाए तब फिर तुम अपना साम्राज्य फैला सकते हो। मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। और भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय के बाद हृदय एक पतली सी झिल्ली से आवृत होकर उनके पास आया। वो रो रहा था। उसने सूर्य, चंद्रमा, अंधकार और बरसात से पूछा, हमारे पिता भगवान कहाँ है? सब बोले, पिताजी तो चले गए। उन्होंने कहा, हम जानते भी नहीं कि वो कहाँ गए। हाय, मेरी कितनी इच्छा थी कि उनके साथ उनमें लीन हो जाऊं, किंतु खैर, जब तक वे नहीं मिलते मैं आदमी में प्रवेश करूंगा और उनके ही माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर को खोजूंगा। हृदय ने कहा ये बात और यही हुआ। मनुष्य से पैदा होने वाली हर बच्चे के पास हृदय होता भी, जो आज भी ईश्वर को खोजते रहता, वो आज भी ईश्वर को चाहता है। इसी जुनून में उन्हें हर बार जन्म लेता और ईश्वर को खोजते रहता। तो दोस्तों, हमें मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि हम ईश्वर को खोज करें और उनका कहे हुए पथ पर चलें। आइए,
आज से हम ईश्वर का सच्चा सपूत बने। आप सबको मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब का अनुरोध है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।